स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। आज के वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे वाक है, वाक प्लस इस, वाक में क जो है व्यंजन है और इस में ई जो है स्वर है, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, वागीस, वाक प्लस इस वागीस। और सत, सत प्लस जन, त व्यंजन है और ज भी व्यंजन है, तो सत प्लस जन सज्जन बनेगा। अब कुछ ट्रिक्स हैं व्यंजन संधि की, वह ये देखते हैं। जैसे अंग की मात्रा है, अंग की मात्रा जो है वो म में बदल जाती है, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स है। संक्षेप, संक्षेप में अंक की मात्रा है तो यहाँ अंक की मात्रा जो है वो म में बदल गई है, यानी सम धन क्षेप, संक्षेप। संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा, सम धन वाद, यहाँ देखिए अंक की मात्रा है तो वो म में बदल गई, ये सम धन वाद, संवाद। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, आधा न हो, द हो, या आधा च हो, या आधा ल हो, आधा ज हो, तो वो त में बदल जाता है। जैसे देखिए आधा न जो है उन्नति, उन्नति में आधा न है, तो ये उन्नति जो है किस में बदल जाता है, त में, आधा न ये है ना त में बदल रहा है, तो उत धन नति हो जाएगा, यहाँ आधा न जो है वो त में बदल गया, उत धन नति। जग, जगदीश, जगदीश किस में बदल रहा है, यहाँ द जो है वो भी त में बदल रहा है, तो जगत धन ईश हो जाएगा, जगत धन ईश। आधा च है, च भी त में बदल रहा है, तो उच्चाटन, उच्चाटन तो उत धन उच्चाटन, उच्चाटन में भी आधा च जो है वो त में बदल रहा है, उत धन चाटन। उल्लास, उल्लास में भी आधा ल त में बदल रहा है, ये त, उत धन लास। उज्ज्वल में ज जो है वो त में बदल रहा है, उत धन ज्वल, उज्ज्वल। तीसरा ट्रिक है, अगर ग आता है बीच में तो वह क में बदल जाता है, यानी शब्द के बीच में ग आता है तो वो क में बदल जाता है। जैसे एग्जांपल है वागीस, वागीस में ग, वाक धन ईस हो जाएगा, क में बदल गया। दिग्गज, दिग्गज में ये जो ग है वो दिक धन गज, क में बदल गया, इसमें भी ग जो है वो क में बदल जाएगा, दिक धन अंबर, दिगंबर का दिक धन अंबर होगा। वाग जाल, वाग जाल का वाक धन जाल, यहाँ भी ग जो है वो क में बदल गया। अब चौथी ट्रिक है, ड जो है वो ट में बदल जाता है, जैसे षड दर्शन, षड दर्शन का हो जाएगा षट धन दर्शन, यहाँ देखिए ये ड जो है ट में बदल गया। षडानन, षडानन जो है इसको स भी बोलते हैं, ख भी, ख से भी उच्चारण करते हैं, खडानन भी आप बोल सकते हैं, तो यहाँ ड जो है वो ट में बदल गया, यानी खट धन आनन। पांचवी जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, ज जो है वो च में बदल जाता है, अगर शब्द के बीच में ज आए तो वह च में बदल जाता है। जैसे अजंत, अजंत का संधि विच्छेद होगा अच धन अंत, देखिए यहाँ च आया ज की जगह। आज़ादी, आज़ादी का अच धन आदि हो जाएगा। सिक्स है, च जब आता है तो वह आधा छ के आधे, छ के आगे जो है आधा च में बदल जाता है, जैसे स्वधन छंद, तो क्या हो जाएगा स्वच्छंद, देखिए यहाँ पे च जो है वो छ के आधे जुड़ गया है। अनुधन छेद, अनुच छेद, यहाँ च आधा हो गया है। विच्छेद, यहाँ च जो है वो आधा हो गया है। नेक्स्ट है, जो क के आगे खटकोण स और अगर छोटा स आए त
तो वह पूरे सम से हट जाएगा। यानी संस्कार, संस्कार में देखिए आधा स है, तो वो अगर शब्द में आधा स छोटा आया और खटकोर स आया तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो हट जाता है। संस्कार क्या हो जाएगा? समधन कार। परिष्कृत, परिष्कृत में यह स हट गया, परिधन कृत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर खटकोर और ठ अष्ट आता है तो अस्थ हो जाता है। जैसे निष्ठा है, निष्ठा में खटकोर स और ठ आया ना, निष्ठा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? था हो गया, निष्ठा, निधन था, यानी जब शब्द बनेगा तो निष्ठा बनेगा। प्रतिष्ठा, प्रतिधन अस्था, अनुष्ठान, अनुधन स्थान, यानी ये अष्ट जो है वो अस्त में बदल जाता है। और जब खटकोर से आता है तो वो छोटे स में बदल जाता है। शब्द के बीच में जब खटकोर से आता है तो वो छोटे स में बदल जाता है। यानी निषेध क्या होगा? निधन सेद, विषम विधन सम, सुषमा सुषधन सुधन समा, निषिद्ध निधन सिद्ध। नेक्स्ट है, ब जो है वो प में बदल जाता है। अगर शब्द में ब आता है बीच में तो वह प में बदल जाता है। सुबंत, सुबंत का सुपधन अंत, यहाँ देखिए ब जो है प में बदल गया। अब्ज, अब्ज ब जो है वो अप धन ज हो जाएगा, यहाँ का भी ब जो है वो प में बदल गया। अवधि, अवधि जो है वो भी अपधन धी हो गया, यहाँ का ब जो है प में बदल गया। तो ये थे व्यंजन संधि के कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही हम और ट्रिक्स आपको बनाकर देते रहेंगे। नमस्कार।